हेलो दोस्तों, मैं हूं विकुन। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा हिंदी टेक यूट्यूब चैनल टॉक टेक्नोलाइन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक व्हाट्सएप के शानदार ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप मोबाइल में आप यूज करके बहुत ज़्यादा इसका मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों, आप सब व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे, तो इसके अंदर में व्हाट्सएप एक जो नया प्राइवेट पॉलिसी आया था, उसके बाद भी वो एक नया एक शानदार ट्रिक की जो है नया फीचर वो व्हाट्सएप में अब ऐड कर दिया है, जिसका नाम है कस्टम वॉलपेपर। यानी कि आप हर एक चैट के लिए एक अलग अलग वॉलपेपर आप सेट कर पाओगे, जिससे कि को जानकारी भी बहुत अच्छा फीलिंग हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो कस्टम वॉलपेपर आप आपका व्हाट्सएप में कैसे सेट कर पाओगे, आज इस ट्रिक के बारे में मैं आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो वीडियो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, जिसके थ्रू आप नहीं जान पाओगे कि ये जो व्हाट्सएप का नया फीचर आया है, जिसके थ्रू आप कस्टम वॉलपेपर यानी कि हर एक चैट के लिए आप एक एक वॉलपेपर सेट करने कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, और हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल टॉक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि जो वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होता रहेगा आपका पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप भी कोई भी वीडियो से ना चुके। तो दोस्तों, ऐसे ही जनरिक के वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है, तो हमारे साथ हमेशा बनाए रहना इसी टाइप के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, चले मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आज आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप में कस्टम वॉलपेपर कैसे सेट कर पाओगे। तो दोस्तों, चले मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो कस्टम वॉलपेपर आपका व्हाट्सएप में आप कैसे सेट कर पाओगे, इसी के थ्रू आपको क्या क्या करना है आपका मोबाइल में, अब मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो व्हाट्सएप, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा व्हाट्सएप, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हाट्सएप है वो अब ओपन होके आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर आप कस्टम वॉलपेपर कैसे सेट कर पाओगे। दोस्तों, सपोज़ मैं इसी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कस्टम वॉलपेपर कैसे सेट करूँगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं राइट साइड टोटल ऊपर जो 3 डॉट का साइन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आया है वॉलपेपर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलपेपर अब आ गया है। आने के बाद यहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप ऑफिशियली देता है ब्राइट, डार्क और सॉलिड कलर, और माई फोटोज़ जो है वो आप आपका जिसका भी कॉन्टैक्ट में आप सेट करने के लिए चाहते हो उसी का फोटो की भी आप उस चैट में आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डार्क है, यहाँ पर से मैं कोई भी एक वॉलपेपर सेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज़ मैं इसी वॉलपेपर को अब डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो आया है नीचे सेट वॉलपेपर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछा जाएगा कि फॉर दिस चैट, यही चैट के लिए आप सिर्फ इसको सेट करोगे, या फिर फॉर ऑल चैट्स इन लाइट थीम, यानी कि आपको ये चैट को इंक्लूड करके आपका व्हाट्सएप में जितने सारे चैट्स है ये वॉल पर सेट करोगे। तो सिंपल से मेरे को ये जो चैट्स में ही सिर्फ चाहिए, तो मैं यहाँ पर फॉर दिस चैट ये जो फास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर रख के ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वॉलपेपर अब सेट हुआ गया है। दोस्तों, अगर हम दूसरे कॉन्टैक्ट में जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वॉलपेपर सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी हम सिंपल सी यहाँ पर भी दोबारा वही ट्रिक अपना कर हम और एक जो है वॉलपेपर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं दूसरे कॉन्टैक्ट में जाकर ये वॉलपेपर को अब सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाकर मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉलपेपर सेट हो गया है, और यहाँ पर भी और एक वॉलपेपर सेट हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे ट्रिक करके आप अपना जो व्हाट्सएप में आप इसी टाइप का वो जो कस्टम वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का ये एक नया फीचर जो है वो अब ऐड हुआ है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारा होम स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ ये जो व्हाट्सएप का जो नया अपडेट आया है व्हाट्सएप कस्टम वॉलपेपर, यानी कि इसके थ्रू जाकर आप हर एक चैट के लिए एक एक वॉलपेपर सेपरेट वॉलपेपर आप इस पर सेट कर सकते हो, और इसका सेट करके भी इसको एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर भी दिखा दिया हूँ कि आप इसको जाकर कैसे आपका व्हाट्सएप में आप खुद ही इसको सेट कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बजे वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।